हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू तमोजी ट्यूटोरियल्स। आज हम कैनवा में देखेंगे हाफ फेस टाइपोग्राफी। तो हाफ फेस टाइपोग्राफी हम कैसे करेंगे कैनवा में, चलिए आज देख लेते हैं। तो इसके लिए मैंने एक इमेज जो पिक्सल से लिया है वो डाउनलोड करके मैं कैनवा में अपलोड कर दिया। तो इस पिक्चर को मैं थोड़ा सा डार्क शेड में रखना चाहती हूँ और इसको ब्लैक एंड वाइट करना चाहती हूँ। तो यहाँ पर जो फिल्टर्स के अंदर मोनो है और मोनो के अंदर जो नोआर बोल का ऑप्शन है वो ऑप्शन मैं चूज़ करूँगी, ठीक है। और चूज़ करके आप देख सकते हो कि ये जो पिक्चर था डार्किश टाइप हो गया। तो इसके अंदर मैं ये हाफ फेस टाइपोग्राफी करूँगी। तो इसके लिए मैं और एक पेज ले लेती हूँ और इसके अंदर मैं यहाँ पर एक स्क्वायर लेकर ऐसे क्रिएट करूँगी। इस स्क्वायर को हम, ये जो पिक्चर है इस पिक्चर के साइज में हम रखेंगे। ये पिक्चर का जितना तक ये फेस है उसके हिसाब से, हाफ फेस के हिसाब से हम इसको रख लेंगे और इसको ही हम कॉपी करके दूसरे पेज में पेस्ट कर देंगे, ठीक है। और इसका जो बैकग्राउंड कलर, सॉरी, ये जो शेप का कलर मैंने ब्लैक कर दिया। फिर उसके बाद क्या करना है, हमें टेक्स्ट ऐड करना है। तो टेक्स्ट ऐड करने के लिए हमें क्या करना होगा, बस टेक्स्ट में जाकर ये टेक्स्ट ऐड करना होगा और इसमें हम कुछ वर्ड्स लिखेंगे। तो जैसे कि मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ बी, तो इसको मैं एंटोन फॉन्ट में रख रही हूँ और वाइट कलर दे दिया, ठीक है। तो ये जो बी को मैंने ऐसे रखा है, इसके बाद मैं फिर से और एक डुप्लीकेट करके टेक्स्ट ले लिया और इसमें हम लिखेंगे ऑसम। तो ऑसम का टेक्स्ट भी कुछ इस तरह रखना है हमें, एकदम इस टेक्स्ट के बराबर हमें दूसरी टेक्स्ट भी रखना है। फिर से डुप्लीकेट करके एक टेक्स्ट ले लिया। तो ऑसम का जो बाकी पार्ट मैं यहाँ पर रख रही हूँ, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा छोटा करके भी हम रख सकते हैं ऐसे। तो इसको हम ऐसे रख लिया, तो आप देख सकते हो कि बिल्कुल ऐसे टच करके करके रखना है, ठीक है। ज़्यादा स्पेस नहीं देना है, यानी कि लाइन स्पेसिंग ज़्यादा नहीं देना है हमें। फिर एक कॉपी करके मैं यहाँ पर बी कूल लिख रहा हूँ, इसको भी हमें ऐसे ही रखना है, ठीक है। तो इसको हम इस तरह रख देंगे, ठीक है। तो टाइपोग्राफी तो हमारा रेडी है। इसको हम एक साथ पकड़ के ऐसे इस शेप के अंदर वर्टिकली सेंटर हम कर लेंगे और थोड़ा सा ऐसे भी हम रख सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हमारा रेडी है टाइपोग्राफी। इसके बाद हमें क्या करना है, इसको हमें डाउनलोड करना है। तो डाउनलोड करने के लिए बस हमें डाउनलोड ऑप्शन में जाकर पीएनजी का साइज़ इंक्रीज करना है और यहाँ पर हमें पेज नंबर 2 को सिलेक्ट कर देना है और डाउनलोड कर लेना है। तो सिंपली हमें ये डाउनलोड करना है विदाउट ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड, यानी कि हम सॉलिड बैकग्राउंड में ही इसको डाउनलोड कर रहे हैं। फिर हमें क्या करना है, इसको डिलीट कर देना है और जो डाउनलोड किया है मैंने इसको हमें कैनवा में लाना है। तो कैनवा में मैं फिर से ये अपलोड कर दिया। ये आप देख सकते हो जो मैंने क्रिएट किया था इसको और डाउनलोड किया था इसको मैंने अपलोड कर दिया, ठीक है।
फिर एडिट इमेज में हमें जाना है और इसको बीजी रिमूवर में फैलना डालना है, और बीजी रिमूवर के बाद ये बैकग्राउंड तो रिमूव हो चुका है, आप देख सकते हो। और इसको हमें डुओ टोन में जाकर इसका जो कलर वाइट कर देना है, तो ये बिल्कुल रेडी है, आप देख सकते हो, ठीक है। तो ऐसे ही पेज का सेंटर पोजीशन में और ऐसे ही बिल्कुल ठीक ठाक करके इसको प्लेस कर देना है। फिर उसके बाद ये पोर्शन हमें कवर करने के लिए क्या करना है, और एक रेक्टेंगल लेना है और लेकर हमें वाइट कलर देना है, और इसको ऐसे करके और एक डुप्लीकेट करके, फिर से डुप्लीकेट करके हमें ऐसे रखना है। तो बस हमारा जो हाफ फेस वाला जो टाइपोग्राफी था वो एकदम बन के तैयार है। तो आप देख सकते हो कि ये बिल्कुल परफेक्ट आया है, और इसको हम कोई भी फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हो। इसको लेकर आप कोई पोस्ट बना सकते हो, कोई डिज़ाइन बना सकते हो। तो ऐसे हम हाफ फेस टाइपोग्राफी कैनवा में कर सकते हैं बहुत ही इजीली। तो इसको हम कोई भी फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हैं, जेपीजी, पीएनजी, पीडीएफ, कोई भी फॉर्मेट में इसको हम डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक, कॉमेंट और शेयर कर देना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो ये आप देख सकते हो जो क्रिएट किया था वो मैंने पीएनजी डाउनलोड किया है, तो ये इसका रिज़ल्ट कुछ इस तरह आया है। तो आज के लिए यही तक था, फिर से आपसे मुलाकात होगा नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।